फिसलती रहेंगी बेटियां कब तलक, यूं ही झुलसती रहेंगी बेटियां कब तलक। दुनिया समाजों से, उनके किए कारनामों से दरिंदगी का शिकार होंगी आखिर बेटियां कब तलक। भारत की मौजूदा परिस्थितियों पर यह पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या ने पूरे देश में उबाल ला दिया है। हर कोई गुस्से में है और चिंतित भी है। पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं कोलकाता ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है। उधर इस वारदात को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, सियासत भी गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी पुलिस की नाकामी नहीं दिखी और उल्टा वो वाम राम पर इल्जाम लगाती दिखी। আমার যতদূর মনে হয়, আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি। ऐसे में जनता सवाल कर रही है कि महिला होकर भी महिला का दर्द ना समझा, कहां गई दीदी की ममता। तो चलिए आज की इस वीडियो में कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ क्या क्या हुआ, घटना में क्या कार्रवाई हुई, सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, आईएमए और फोडा का क्या कहना है, सरकार मामले में फिलहाल क्या कर रही है, आइए जानते हैं इस पूरे मामले की टाइमलाइन। इस घटना की शुरुआत होती है कोलकाता में 8 और 9 अगस्त की रात को। राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग में सेकेंड ईयर के मेडिकल स्टूडेंट 31 साल की डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी के दौरान बर्बर रेप और दर्दनाक तरीके से हत्या हुई। इसके बाद पीड़ित डॉक्टर के माता पिता का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ रेप नहीं गैंग रेप हुआ है। वहीं फोरेंसिक जांच में बेटी के शरीर के साथ 150 मिलीग्राम सीमेन पाया गया था, जो कि यह तस्दीक करता है कि ये एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोगों का काम होगा, जिससे पता चलता है कि ये रेप नहीं गैंग रेप का मामला है। इसके बाद मंगलवार को फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोडा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन गुरुवार को अपने फैसले को पलट दिया। इसके बाद 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को देश भर के विभिन्न संस्थानों से महिलाएं और पुरुष सड़कों पर महिलाओं के लिए रिक्लेम द नाइट के लिए निकलते हैं। वहीं सबके बीच आरोपी संजय रॉय को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया और अब तक की जानकारी के मुताबिक सीबीआई रॉय की मेडिकल जांच से लेकर घटनास्थल और पुलिस की जांच के पहलुओं के साथ फॉरेंसिक जांच समेत तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है। वहीं इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने शनिवार 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेकर रविवार 18 अगस्त को सुबह 6 बजे तक सभी गैर जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को देश भर में बंद रखने का ऐलान किया है। वहीं आपको बताते चले कि इस पूरी वारदात के दौरान 40 अज्ञात लोगों की भीड़ ने अचानक कॉलेज परिसर में प्रवेश कर तोड़फोड़ और तबाही तक मचा दी। मरीजों और हॉस्पिटल स्टाफ से लेकर डॉक्टरों को भागना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां वहां पर क्रिएट हुई। आरोप लगे कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों मरीजों पर हमला करने और तोड़फोड़ करने वाले लोग टीएमसी से जुड़े हुए थे। इधर सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले को राजनीतिक रूप देने के लिए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। वहीं शुक्रवार यानी आज बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, फिलहाल पूरे देश को इंतजार है बेटी को इंसाफ मिलने का और बेटियों को इंतजार है कि वो बिना डरे और बिना झिझक के अपने घर से बाहर निकल सके और सेफ महसूस कर सके। इस पूरे मामले पर और इस पूरे केस पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।